हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत डर भी लगा होगा कि पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बड़ी ही ईजी है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के करें तो। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर चलती रहती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर चलेगी जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा 6 फंक्शन होते हैं। ये स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन, कोस, टैन, तीन तो ये हो गए, बाकी तीन कौन कौन से हो गए। एक होता है बेटा हमारे पास टेन का रिवर्स देखेंगे तो क्या होगा, कोट। कोस का रिवर्स होता है सीकेंट, इसे लिखते कैसे हैं, सेक लिखते हैं पर बोलते क्या है, सीकेंट। और एक लास्ट, लास्ट क्या होगा, कोसीकेंट, इसे कोसेक लिखते हैं पर बोलते क्या बेटा, मोस्टली कोसीकेंट। अब देखो बेटा ये सारे वर्क किसके ऊपर करेंगे, ये वर्क करते हैं एक एंगल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास को ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और ये सी के ऊपर कोई थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले देखो बेटा हमें जो एंगल मिलता है, जैसे ये थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ये थीटा हमें इस ट्रायंगल की पूरी स्टोरी बताता है। फॉर एग्जांपल किसी ने इसे, इस ट्रायंगल को इस तरीके से, इस पिक्चर को इस सीधा खड़ा होके देखा तो कहा किसी ने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। पर अगर मैं इसे साइड से देखूं और इसे इस तरीके, इस नजरिए से देखूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 का एंगल, ये थीटा ही है। इस नजरिए से देखा तो अब परपेंडिकुलर कौन सा नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये तो सबका देखने का अलग अलग नजरिया हो गया कौन ट्राइंगल को किस तरीके से देखता है। पर बेटा हमें कौन फिक्स बताएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइट, ये हमें फिक्स बताएगा जिस एंगल की हम बात करेंगे। अगर हम थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो जो थीटा के सामने हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और थीटा जिस जिससे मिलके बनेगा वो एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस। अगर मैं मान लूं यहां इसे थीटा मानता तो यहां भी परपेंडिकुलर कौन सा होता, इसके सामने जो है, इसके सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में कौन बताएगा, जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे वो बताएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये याद कैसे रहेंगे, इसके लिए बेटा एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे हम लिखते हैं पी बी पी एच एच बी। और इसे आसान तरीका याद करने का क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सभी अपने अलग अलग तरीके से याद करते हैं, कोई करता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमें सबसे ज्यादा जलन किससे होती है, पाकिस्तान से, इसलिए हम किस तरीके से मोस्टली याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। फर्स्ट किसके लिए हो गया, साइन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड किसके लिए हो गया बेटा, सेकंड हो गया हमारा कोस के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थर्ड किसके लिए हो गया, टेन के लिए, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से आ गया। कोट बेटा उल्टा होता है टेन का, पलट के लिख लूं, मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
सीकेंट किसका उल्टा होता है बेटा? कोस का। तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और जो कोसिकेंट होता है वो साइन का रिवर्स होता है, पलट के लिखना उल्टा। तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, इन छह की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज से कैसे रिलेशन में आई, ये मैंने आपको लिखा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी के ऊपर। मेरे पास ये ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर के अंदर बेटा ये क्वेश्चन है, पी क्यू आर के अंदर पी आर दे रखा है 13 यूनिट, पी क्यू दे रखा है बेटा 12 यूनिट। मुझे निकालना है टेन पी माइनस कोट आर। मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो। ये 90 का है, मुझे पता क्या क्या है, एक हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस में से एक साइड पता है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, क्यू आर। कैसे निकालेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज 13, पी क्यू 12 का स्क्वेयर प्लस बेस क्यू आर का स्क्वेयर। 13 का स्क्वेयर बेटा कितना आ जाएगा? 169। 12 का स्क्वेयर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वेयर। ये टर्म इधर आई, 169 माइनस 144 इजिकल टू क्यू आर का स्क्वेयर। 25 इजिकल टू क्यू आर का स्क्वेयर, स्क्वेयर इधर आया स्क्वेयर रूट। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू आर की वैल्यू आई है 5। तो क्यू आर की होगी वैल्यू 5। अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइडें निकलाई। अब बेटा मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है टेन पी। क्या निकालना है? टेन पी। देखो किस एंगल की बात कर रहे हैं, पी। पी एंगल तो यहां बन रहा है, पी एंगल की बात की है। तो इस एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। टेन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना बेटा। और इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? देखो पी के सामने क्या है? 5। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5। बेस किससे मिलके बन रहा है? 12 और 13। बेस क्या हो गया? 12। तो टेन पी की वैल्यू आ गई 5/12। कोट आर, कोट आर निकालते बेटा, कोट आर, आर एंगल। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया। बेस क्या हो गया? ये हो गया। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 5। और परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो टेन पी माइनस, अगर मैं कोट आर की वैल्यू देखूंगा तो क्या है मेरे पास? 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल आउट, 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने बेटा हमें। हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों साइड निकालनी होंगी ट्राइंगल की, फिर मुझे देखना है कि किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जिस जिस से वो एंगल बनेगा वो क्या होगा? बेस और हाइपोटेन्यूज। फिर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, साइन थीटा कोस थीटा जो भी पूछा हो उसके फॉर्मूले में। आया बेटा समझ में? देखो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। कोई ट्राइंगल है उसमें ए के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 15 कोट ए किसके इक्वल आ रहा है? 8 के इक्वल। तो पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये कोई एंगल ए हो गया, ये बी ये सी। इस एंगल ए के लिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले बेटा 15 कोट ए इजिकल टू 8 है। कोट ए को क्या लिख सकता हूँ? कोट ए इजिकल टू 8/15। मतलब कोट ए होता क्या है? अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी लिखा था ना रूल, क्या लिखा था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला किसके लिए था? साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए।
और कोट का क्या होता है, टेन का उल्टा, इट्स मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कितना आ रहा है, 8/15। तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, यहां से बेस हो गया ए के लिए 8k, कि मैंने कोई भी एक ऐसा दोनों में कॉमन मल्टीपल मान लिया जिससे ये दोनों कट रहे थे। परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आया 15k। बेटा ये मैंने k कहां से ऐड किया है, ये रेशियो था 8/15। कोई ना कोई ऐसी टर्म हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये 16, ये 30। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना आया, 8/15। तो ये के कोई एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन था, इसलिए मैंने इसे क्या मान लिया 8k, और इसे क्या मान लिया 15k। इट्स मीन अगर a है, a के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर आना था, ये साइड क्या हो गई 8k, ये साइड कितनी हो गई 15k। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करने के लिए, इस ट्राइंगल की तीसरी साइड मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर 15k का स्क्वायर प्लस बेस 8k का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आया है 15 का कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर, जल्दी बताओ 225k स्क्वायर। 8k का क्या होगा 64k स्क्वायर, दोनों ऐड किए कितना आया 289k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 289k स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी 17k। अब आप कहोगे सर हमेशा स्क्वायर रूट से तो वैल्यू कैसी आती हैं, प्लस और माइनस की दोनों आती हैं। पर बेटा एक बात बताओ, कभी भी जो यूनिट लेंगे लेंथ वगैरह की यूनिट लेंगे, क्या नेगेटिव ले सकते हैं, नहीं ना, इसीलिए स्क्वायर रूट से यहाँ वैल्यू जो आई है मैंने वो किसकी ली है, प्लस की, क्योंकि जो भी यूनिट साइड वगैरह लेंथ वगैरह लेंगे वो हमेशा किस में मिलेगी, पॉजिटिव। तो ये आया हमारे पास 17k, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 17k। अब देखो क्या क्या पूछा है, साइन ए का क्या फॉर्मूला है, वहां से देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब कितना है बेटा 15k, हाइपोटेन्यूज कितना है 17k, के से के कैंसिल, तो हमारा रेशियो कितना आया 15/17। दूसरा क्या पूछा था, सीकेंट ए, सीकेंट कोस का उल्टा होता है, कोस के लिए क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट के लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 17k और बेस कितना है 8k, के से के कैंसिल, तो कितना आया 17/8, ये किसका हो गया सीकेंट ए का। तो बेटा हमें इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले हमें साइडें निकालनी पड़ेंगी तीनों, आया समझ में। सारे क्वेश्चन बेटा सेम है, आपको ट्राई करने हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बेझिझक मुझसे कभी भी पूछ सकते हो बेटा।